फरीदाबाद फतेहपुर से जहां एसडीएम कार्यालय में अन्य बाजारों के व्यापार मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम फतेहपुर से व्यापार मंडलों को पटाखे बेचने के लिए चिन्हित स्थानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पटाखे विक्रेताओं से अपील की कि वो प्रशासन द्वारा तय स्थान और समय अनुसार ही पटाखों की बिक्री करें और सभ्य नागरिक होने की भूमिका निभाए। साथ ही उन्होंने स्वच्छता की तरफ से पूरा ध्यान रखने की बात कही है। दिवाली हमारा जो हिंदू पर्व है वो बहुत नजदीक है और यहाँ काफी लोग जो है वो फायर क्रैकर्स और पटाखे चलाते हैं। इसके ऊपर अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का भी कुछ दिशा निर्देश आए हैं और वही दिशा निर्देश और कहाँ कहाँ पे उन पटाखों की सेल होनी है, कब टाइमिंग उसको चलाने के बारे में जो था वो सारे हमने पंचायत के जो प्रतिनिधि थे और व्यापार मंडल के जो खासकर प्रतिनिधि थे उनको हमने यहाँ पे बुलाया, पुलिस के लोग थे और उनको हमने टाइमिंग के बारे में बता दिया। और इसका जो टाइमिंग्स हैं वो हमने 5, 6, 7 तारीख को जो है वो सेल का टाइम दिया और जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार फायर क्रैकर्स जो है वो 8 से 10 तक बजे तक ही शाम को चलाए जा सकते हैं। इस मौके पर रेहन व्यापार मंडल प्रधान, फतेहपुर व्यापार मंडल पूर्व प्रधान, पंचायत प्रधान रेहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।